friends, welcome to all at Vector Educators. A very warm good morning to you all. स्वागत है आप सभी का Vector Educators के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर आज आपके साथ करने जा रही हूँ वोकैब का ब्रेकफास्ट. जी हाँ, वोकैब का ब्रेकफास्ट करेंगे आज हम लोग. वोकैब का ब्रेकफास्ट करने से मेरा मतलब है आज जो मैं वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगी उन वर्ड्स को हम इतनी अच्छी तरीके से खा जाएंगे कि अगली बार जब ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो आपको इनका आंसर ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. वर्ड्स को अच्छी तरह से खा जाएंगे से मेरा मतलब है कि इतनी अच्छी तरीके से इन वर्ड्स को समझ लेंगे कि जब ये आपके सामने आएंगे तब आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है. ये जानने में आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप बस इनका आंसर टिक करेंगे विद इन अ सेकेंड. तो आइए ऐसे ही कुछ हम वोकैब्स को डिस्कवर करते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो वोकैब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं. तो देखो, जो भी हमारे पेपर्स होते हैं उनमें ये कुछ पर्टिकुलर वोकैब्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो ऐसे ही कुछ वोकैब्स आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं. हमारा पहला वर्ड है हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल का मतलब होता है अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं पर काबू ना पाना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित ना रख पाना. तो ये मतलब होता है हिस्टेरिकल का. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला हिस्टेरिकल लाफ्टर, वो हंसी जिस पर काबू ना पाया जा सकता हो. कभी आपने देखा होगा कभी कभी हंसी निकल जाती है, मतलब वो हंसी जिस पे काबू ना पाया जा सकता हो. तो ये देखो, हंसी क्या है, हंसी एक इमोशन ही तो है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो यही होता है हिस्टेरिकल का मतलब. तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में से हिस्टेरिकल का सही ऑप्शन क्या होगा तो हम वो देखते हैं. उससे पहले हमें इन चारों का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना कि इन चारों का मतलब क्या है, तभी तो हम बताएंगे कि हिस्टेरिकल से जो मिलता हुआ वर्ड है, हिस्टेरिकल का जो आंसर है वो क्या होगा. तो आइए देखते हैं. पहला वर्ड हमारा बर्सर्क. बर्सर्क का मतलब होता है अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स और इमोशंस. तो देखो, हमें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नीचे वाले ऑप्शंस को देखें ही ना. तो नीचे वाले ऑप्शंस को देखेंगे और उनका मीनिंग भी देखेंगे. तो दूसरा वर्ड है हमारा इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट कंसिस्टेंट, मतलब समथिंग विच इज लाइकली टू चेंज इन बिहेवियर, मतलब जो चीज अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में स्थिर ना हो और वो बार बार चेंज होती रहती हो, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. तीसरा वर्ड है हमारा डुप्लीसिटस. डुप्लीसिटस का मतलब होता है डिसीटफुल, धोखेबाज. और चौथा वर्ड है हमारा इनसिंसियर. इनसिंसियर का मतलब होता है प्रिटेंडिंग टू फील समथिंग दैट यू नॉट रियली फील, मतलब इस वो चीज का दिखावा करना कि आप फील करते हो जो आप सच में फील ही ना करते हो, जो आप सच में मानते ही ना हो, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो उस चीज को मानने का, इसे बोलते हैं इनसिंसियर. आइए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं. अगला वर्ड है हमारा प्रिजुडाइस. प्रिजुडाइस का मतलब होता है बायस, मतलब पक्षपात. अब इन चारों ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है वो देखते हैं. ऑब्जेक्शनल. ऑब्जेक्शनल का मतलब होता है आपत्तिजनक, जब आपको आपत्ति होती है किसी चीज से. दूसरा वर्ड है हमारा प्रिडेटरी. प्रिडेटरी मतलब वल्चरस, हिंसाजनक, मतलब जो चीजें हिंसा पहुंचाती हो उसे बोलते हैं प्रिडेटरी. तीसरा वर्ड है हमारा जॉन्डिस्ट. जॉन्डिस्ट का मतलब भी होता है बायस, मतलब पक्षपात. और चौथा वर्ड है हमारा इंटीमेट. इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल और प्राइवेट, मतलब व्यक्तिगत, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत, इसे बोलते हैं इंटीमेट. तो यहाँ से हमें सही आंसर मिला ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जॉन्डिस्ट. एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. तो प्रिजुडाइस का मतलब आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जॉन्डिस्ट. अगला वर्ड हमारे सामने है टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बट मतलब आप सेम चीज को बार बार बोल रहे हैं लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग है, आप अलग अलग तरीके से सेम चीज को बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं टॉटोलॉजी. अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से टॉटोलॉजी का सही आंसर क्या है वो देख लेते हैं. पहला वर्ड है हमारा ट्रूथ टेलिंग. ट्रूथ टेलिंग मतलब टेलिंग द ट्रूथ, सच बताना. दूसरा वर्ड है हमारा प्रोलिक्सिटी. प्रोलिक्सिटी का मतलब होता है रिपीटिशन, सेम चीज को रिपीट करना अलग अलग वर्ड्स को यूज करके, मतलब अलग अलग तरीके से सेम चीज को रिपीट करना. तीसरा है हमारा फॉरटेलिंग.
फॉरटेलिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी, मतलब वो चीज बताना जो अभी हुई नहीं है, जो आगे फ्यूचर में होने वाली है, वो होता है फॉरटेलिंग। और ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस अबाउट समथिंग, ठीक है, तो ईगर का मतलब उत्सुक। तो यहाँ इन चार ऑप्शन को देख के हमें अपना आंसर मिल गया कि टोटोलॉजी का मतलब होता है प्रोलिक्सिटी। आई होप टोटोलॉजी का मीनिंग आप सभी को क्लियर होगा। आइए आगे अपना अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है हमारा टर्मिनल। देखिए टर्मिनल का मतलब होता है एक्सट्रीम एंड, मतलब किसी चीज का अंत, इसे बोलते हैं टर्मिनल। अब पहला वर्ड देखो, दूसरा वर्ड देखो, तीसरा और चौथा, इन चारों को देखो और बताओ कि टर्मिनल का सही आंसर क्या होगा। तो पहला वर्ड है हमारा सबलूनरी। सबलूनरी का मतलब होता है प्लानेटरी, मतलब सांसारिक। दूसरा वर्ड है हमारा टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब होता है भयंकर, हॉरिबल। तीसरा वर्ड हमारा क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुकालीन, वो बीमारी या वो चीज जो लॉन्ग लास्टिंग हो, काफी लंबे टाइम तक चले, इसे बोलते हैं क्रॉनिक। और अगला वर्ड है हमारा इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी क्योर्ड, मतलब वो चीज जिसका इलाज ना हो सकता हो। अब यहाँ से क्लोजली रिलेटेड कौन सा वर्ड है देखो, टर्मिनल का मतलब मैंने बोला था कि एक्सट्रीम एंड, मतलब अगर मैंने बोला टर्मिनल डिजीज, ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल डिजीज मतलब वो डिजीज जिसका अंत चल रहा हो, एकदम एक्सट्रीम एंड पे है वो डिजीज। अब कोई भी बीमारी अगर एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पर्सन है उसकी डेथ ही हो जाएगी ना, मर जाएगा वो इंसान। और चौथा ऑप्शन देखो इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी क्योर्ड, मतलब जिसका इलाज ना हो। अब जिस बीमारी का इलाज नहीं होगा तो लास्ट में वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन मर ही तो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि इन चार ऑप्शंस को देख के टर्मिनल का मीनिंग होता है इनक्यूरेबल। आई होप आपको यहाँ से टर्मिनल का मीनिंग क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है हमारा रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना। अब इन चारों ऑप्शन में से रेप्रीमेंड का सही आंसर क्या है देखो, पहला वर्ड दिया है हमको एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है टू प्रेज हाईली, मतलब बहुत ज्यादा गुणगान करना। दूसरा शब्द है परपट। परपट का मतलब होता है क्लेम करना, मतलब दावा करना। तीसरा वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना। और चौथा वर्ड है हमारा फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है ईगर, मतलब उत्सुक, क्यूरियस। तो यहाँ से हमें रेप्रीमेंड का मतलब पता चला कि रेप्रीमेंड का मीनिंग होता है एडमोनिश। आई होप आपको रेप्रीमेंड का मीनिंग क्लियर होगा। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है टू अरेस्ट, मतलब जब्त कर लेना, पकड़ लेना। अब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं हमें, कन्फिस्केट, परमिट, सेल और पुट ऑन होल्ड, इन चारों का मतलब क्या होता है वो जानते हैं और फिर इम्पाउंड से कौन सा वर्ड मिल रहा है वो देखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब भी होता है जब्त कर लेना, टू अरेस्ट। तो हमें आंसर तो मिल गया इम्पाउंड का, लेकिन इट डजेंट मीन कि हम नीचे वाले वर्ड्स को कंसिडर ही ना करें, हमें मीनिंग भी तो देखने पड़ेंगे ना। हो सकता है कोई दूसरा वर्ड हो जो और ज्यादा रिलेटेड हो इससे। तो आइए डिस्कस करते हैं और भी वर्ड्स को। परमिट का मतलब होता है टू अलाउ, अनुमति देना, आज्ञा देना। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। और चौथा वर्ड है पुट ऑन होल्ड। पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है पोस्टपोन, मतलब रोक लगा देना किसी चीज को। तो इम्पाउंड का मतलब हमें यहाँ से पता कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज कन्फिस्केट। आइए आगे दूसरे वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्पग्न। इम्पग्न का मतलब होता है बाजी लगाना, मतलब जब बाजी लगाना, इम्पग्न का मतलब होता है। अब वर्ड्स को देखते हैं। पहला वर्ड है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी को फोर्स करना कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, मतलब निष्कासित करना। अगला वर्ड है हमारा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है किसी को चैलेंज देना। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, अगर इम्पग्न का मतलब है बाजी लगाना, तो बाजी लगाते हो तो चैलेंज ही तो करते हो। अगर दो दोस्त हैं और वो दो दोस्त एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं कि भाई तुम ये करके बताओ, बाजी लगा रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इम्पग्न का मतलब होता है चैलेंज, बाजी लगाना। तो यहाँ से हमें पता कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज चैलेंज। पर अगले शब्द क्या है? अगला वर्ड है हमारा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम।
और चौथा वर्ड है हमारा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, मतलब वो क्वालिटीज जो आपके अंदर प्रेजेंट है, जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक। तो इम्पग्न का मतलब तो हमें पता चल गया, चैलेंज, ठीक है। तो दूसरा वर्ड डिस्कस करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब होता है धोखा, विश्वासघात। अब देखो चार शब्द दिए हुए हैं, पहला है बेट्रेयल। बेट्रेयल का मतलब भी होता है धोखा या विश्वासघात। अगला है लॉयल। लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस का मतलब होता है वफादारी। और चौथा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मीनिंग तो हम सबको पता होता है, दैट इज ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ट्रेचरी का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बेट्रेयल। तो बेट्रेयल मतलब धोखा देना, विश्वासघात करना, लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान, फेथफुलनेस का मतलब होता है वफादारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इननेट। इननेट का मतलब होता है योर इनर क्वालिटीज, मतलब वो चीज़ें जो आपके अंदर प्रेजेंट हैं, आपके अंदर प्रेजेंट हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब जब आपने जन्म लिया उस टाइम से ही आपके अंदर वो क्वालिटीज प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग इननेट। अब इन चारों ऑप्शन को देख के बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, मतलब जैविक। दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है योर आउटर क्वालिटीज, मतलब जो आपकी बाहर है, मतलब बाहर दिखने वाली जो क्वालिटीज है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इननेट। यहाँ से हमें हमारा आंसर मिला है इंट्रिंसिक मतलब इननेट, क्योंकि मैंने इननेट का मतलब आपको पहले ही बताया, इननेट का मीनिंग बताया, वो क्वालिटीज जो आपके अंदर प्रेजेंट है फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब योर इनर क्वालिटीज। और इंट्रिंसिक का मतलब भी क्या होता है, इनर क्वालिटीज। तो इननेट का मीनिंग हमें यहाँ पता चला कि ऑप्शन 3, दैट इज इंट्रिंसिक। अगला वर्ड हमारा अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब होता है एबनॉर्मल, जो अस्वाभाविक हो उसे बोलते हैं अननेचुरल। चलिए तो यहाँ से हमें मतलब पता चला इननेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंट्रिंसिक। आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे ले जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिलेक्टेंट। देखिए रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को करने की इच्छा ना होना, इच्छुक ना होना किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की इच्छा ना होना। अब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का मतलब भी होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के इच्छुक ना होना। दूसरा वर्ड है हमारा अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है इंटरमिक्स करना, मतलब ब्लेंड करना, मिलाना। दूसरा हमारा एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है वेरी श्योर अबाउट योर विजन, मतलब जब आप अपने विजन के बारे में बहुत श्योर होते हैं, कोई और आप आकर आपके विजन को चेंज नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं एडमेंट। और अगला वर्ड है हमारा पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही खास चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, इसे बोलते हैं पैरामाउंट। तो यहाँ से रिलेक्टेंट का मतलब हमें पता चला ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डिसइंक्लाइंड, मतलब है अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी काम को करने के इच्छुक ना होना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिए और उन पर डिस्कशन किया। ऐसे ही हम आगे और वर्ड्स को भी डिस्कस करते रहेंगे, धीरे धीरे करके सेशन को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे और भी वर्ड्स को डिस्कस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।